गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर इवनिंग व्लॉग। आपसे रूबरू होने फिर से आया हूँ, आपकी दुआओं के चलते, आपकी अरदासों के चलते भाई अब ठीक हैं, पहले से स्थिर हैं। कुछ कुछ तो पता चलता है बीच में, कोई मेरा उनसे कोई डायरेक्ट तो कोई टचअप तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ भाई के बारे में कुछ ना कुछ पता लग जाता है। तो गाइज, आज एक YouTube पे मैं देख रहा था, तो आज एक लोगों ने एक नया ही फंडा पकड़ लिया है भाई का नाम लेकर। पहले आप ये फोटो देखो और फोटो पे क्या लिखा है वो देखना। देख लिया जी आपने, इस भाई ने अपना UPI आईडी दी हुई है कि भाई मुझे UPI करो, आप पैसा डालो ताकि मैं नेपाल जाकर भाई का हालचाल ले सकूं। इसको बहुत चिंता हो रही है भाई की। अबे यार, तुमको अगर इतनी चिंता हो रही है, घर पे बैठ के अरदास करो, दुआ करो, व्रत रखो। अब तुमको घर वालों ने पैसा नहीं दिया तो तुम बोल रहे हो कि आप अगर चाहते हो कि मैं जाऊं तो आप पैसा डालो मेरे अकाउंट में, 10-20 रुपए सारे डालो। तो पागल है क्या बे? हैं भाई के नाम पे यार तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, मजा आता है इस बात का। एक बंदे के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आप लोग यार लगे हुए देख उसके नाम का डंका बजा रहे हो, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हो। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को पैसे की नीड हो गई है, भाई को मिलने जाना है, किसी को मतलब कोई अपने थंबनेल ऐसे बना रहे हैं कि मतलब ताकि उनकी वीडियो आप देखो, ऐसे ऐसे थंबनेल बना दिए भाई। मैं बोल नहीं सकता कि थंबनेल देख के आप उसकी वीडियो जरूर देखोगे, क्योंकि आप डर जाते हो कि भाई यार क्या ये क्या हो गया, ये कब हुआ। तो भाई हट जाओ, सुधर जाओ, मत करो ऐसे। आज नहीं तो कल भाई ठीक होके हमारे बीच में फिर आएगा, फिर कैसे नजरें मिलाओगे उसके साथ यार। वो भाई तो सब कुछ देखेगा जरूर। आज की डेट में जट प्रभजोत, आप अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो भाई सारी वीडियोस आती हैं, जो जो आप कर रहे हो ना सब कुछ आ रहा है, सब शो हो रहा है। भाई के चैनल के बाद सबसे ऊपर भाई का चैनल आएगा, उसके ऊपर जो जो आप कर रहे हो ना सब कुछ आ रहा है और भाई देख रहा है, देखेगा जरूर आके। वो दुआ करने की बजाय आप अपना धंधा चला रहे हो, पैसे वाला गलत है। कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, वो तो पिटेंगे साले, बुरी तरह पिटेंगे। वो तो जहाँ के हैं वहीं के लोगों से पिटेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इन सब के चक्कर में मत आना, किसी को भी पैसा मत डालना, आप किसी के अकाउंट में पैसे मत डालना, खाली दुआ करो। आपकी दुआ पैसों से बढ़कर नहीं है, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, यहीं से अपडेट्स इकट्ठा करके आपको देंगे। कोई फेक होगी, कोई एक दो सच होंगी, बाकी 98% फेक होंगी। मैंने आपसे कहा कि मुझे अपडेट मिली या ऐसा कुछ भी सुनने को आया नहीं ना, पता ही नहीं भाई, तो मैं क्या बोलूं। एक भाई को जानता हूं, उसके टच में रहता हूं यूट्यूब के माध्यम से, वो उनके परिवार के टच में है। उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई की हालत पहले से स्थिर है, बहुत बढ़िया नहीं है, अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन कुछ सुधार हो रहा है, ठीक है ना। तो यही कहूँगा कि फेक न्यूज़ से बचो, किसी को भी एक रुपया भी मत डालने की कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसा मत डालो। यह फोटो आपने देख लिया इन भाई साहब का, मैं आपको वीडियो का लिंक भी दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, वो भी जरूर देखना। इनको पैसे चाहिए, जूते खाएंगे और कुछ नहीं है, ठीक है जी। खाली दुआ करो भाई के लिए, बस यही सबसे बड़ी आपकी जो भाई के लिए है ना एक रिस्पेक्ट है ना, बस यही है कि आप भाई के लिए दुआ करो, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं फिर आपको, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।